हेलो फ्रेंड्स, एचएसएससी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि न्यूज़पेपर में छपा हुआ है आज और कई वीडियोस भी आपके सामने आ रही होगी कि विधानसभा को एक महीने पहले ही भंग कर दिया गया। दोस्तों, विधानसभा का भंग होना एक इलेक्शन के तहत एक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही है। तो जैसे एक सत्र होता है विधानसभा का, उसके बाद दूसरा जो सत्र होता है उसके बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का समय होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अभी जो पहले सत्र हुआ था और अगर अब सत्र शुरू करते, 6 महीने तो लगभग पूरे हो चुके थे, लेकिन सत्र अगर शुरू कर देते तो आगे फिर इलेक्शन की डेट भी आ रही है, आचार संहिता भी लगी हुई है, तो इतना समय नहीं था दोस्तों, इसीलिए एक महीना पहले इसको भंग करना पड़ा। सारी चीज़ें जो चल रही है दोस्तों वो इलेक्शन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चल रही है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर जो भी मंत्रिपरिषद, जो भी अभी सीएम वगैरह है, वो सभी अभी कार्यवाहक के तौर पर ही काम करेंगे, ये चीज़ सही है। और जो भी नई नीतियाँ बनेगी वो इलेक्शन के बाद जो नई सरकार बनेगी वही बनाएगी। तो लोग डर गए हैं कि भर्तियों का क्या होगा दोस्तों। तो भर्तियों का दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग, देखिए सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, मेरे अकॉर्डिंग भर्तियाँ दोस्तों अभी तक तो सेफ है, क्योंकि दोस्तों जो कोर्ट केस चले हुए हैं वो कोर्ट केस एज इट इज़ चले हुए हैं, उनकी सुनवाई भी हो रही है, उनकी तारीखें भी लग रही है, ठीक है। अभी देखिए, जो एक ग्रुप, दो ग्रुप और 56-57 ये एक बार कोर्ट से जाकर आ चुकी है, तो दोस्तों अब इनको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आगे सरकार आएगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो जो भी आगे सरकार आएगी दोस्तों इनका रिजल्ट उसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भर्तियाँ बिल्कुल तरह से बेदाग होकर कोर्ट से वापस आई है। पहले इनका एक एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट बार बार अपने ही डिसीजन को दोहराता रहेगा या अपने डिसीजन को चेंज करता रहेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोर्ट ने ही बोला था कि ग्रुप वाइज गलत है, तो अभी ये पोस्ट वाइज कर दिया गया। हाँ, जो हमारे साथी 20 ग्रुप्स में हैं, जो वो वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि उनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बाहर निकाल देंगे दोस्तों, उनका दोबारा एग्ज़ाम हो सकता है, इसलिए वो सभी अपनी तैयारी रखें। अभी देखिए, भर्ती रोको गैंग, एक वर्ड आपने सुना होगा कि भर्ती रोको गैंग। दोस्तों, भर्ती रोको गैंग एक्चुअल में कोई है ही नहीं है, बस एक दूसरे पर जो लोग ब्लेम लगा रहे हैं वो दूसरों को भर्ती रोको गैंग बोल रहा है, वो दूसरों को भर्ती रोको गैंग बोल रहा है। अभी चलो, अनलकीली लगा लो या दुर्भाग्यवशपूर्ण लगा लो, कैसे भी करके लगा लो कि भर्तियाँ अटकी हुई है 3 साल से, किसी भी भर्ती का रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाया। एक भर्ती का रिज़ल्ट मिला है ये 20 ग्रुप का, और वो भी उस पर भी केस है, उस पर भी तलवार लटकी हुई है। लेकिन दोस्तों, एज ए स्टूडेंट मेरी तो यही सलाह है कि हम अपनी तैयारी पे ध्यान रखें, अपनी स्टडी पे ध्यान रखें, और दोस्तों 56-57 एक दो ग्रुप, इनको डरने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने बहुत पढ़ाई की, और उसके बाद अभी एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों इनका इलेक्शन के बाद जो भी सरकार आएगी उनको रिज़ल्ट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्ट के थ्रू आई है। और दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी रखें, जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं वो उन पर फोकस करें, मेरे हिसाब से तो दोस्तों वही बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपने अभी एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करा और इलेक्शन के बाद जो भी सरकार आएगी उसने इनका रिज़ल्ट जारी कर दिया और उनको नौकरी दे दी, तो दोस्तों अभी जो नहीं पढ़ेगा तो फिर उसके लिए तो क्या होगा, उसके लिए तो ये बुरा ही होगा कि वो नहीं पढ़ा और उसके कारण उसकी नौकरी रह जाएगी। तो अभी दोस्तों अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम हमारा अधिकार है, और एग्ज़ाम आप अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए। और देखिए, 1-2, 56-57 कैंसिल और नोट, ये बहुत चला हुआ है यूट्यूब के अंदर, तो कैंसिल नहीं होगे दोस्तों, कैंसिल ये नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट के थ्रू है, तो कोर्ट के थ्रू ये सेफ ही मान के चलिए आप। और इसमें भी आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, विधानसभा का भंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले 2 बार ये हो चुका है, 1 महीना समय से पहले विधानसभा भंग हुई, 1-1 साल पहले भी भंग हुई है पहले दोस्तों विधानसभा, और एक साल पहले भंग करवा कर, एक समय ऐसा था जब 16 महीने पहले भी इसको भंग किया गया था, 1 महीना तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ वीडियो को हम बंद करते हैं यहाँ पे, और आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए जितना हो सके, अपने एग्ज़ाम जिनका है उन पे फोकस कीजिए, जिनका एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों आगे जो न्यू सीईटी आएगा तो आप उस पर फोकस कीजिए दोस्तों। जिनका HTET का एग्ज़ाम है वो HTET पे फोकस कीजिए, जिनका JBT का है वो JBT पे फोकस कीजिए। अगर इस समय पे आप 1-2 महीना जो अभी इलेक्शन का चला हुआ है इनमें आप यही सोचने में लगा दोगे कि कौन सी सरकार आएगी, भर्ती होगी नहीं होगी, या और दूसरी बातों में आप समय निकाल दोगे, तो इनकी तैयारी के लिए आपके 1-2 महीने जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और फिर इसके बाद देखिए, दिसंबर में HTET का एग्ज़ाम है,
जेबीटी का एग्ज़ाम अभी इसी महीने है, न्यू सीईटी भी अगर नवंबर में हो गया तो आपका ये एक दो महीने वेस्ट होने की वजह से आपका इसमें भारी नुकसान होगा दोस्तों। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचिए। ये जो चीज़ें चल रही है सरकार के बेस पे, इलेक्शन के बेस पे जो जो भी चीज़ें चल रही है दोस्तों, उन तक हमारी पहुंच शायद नहीं है। जो भी कैंडिडेट्स इसमें, जैसे जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है, पंचकुला भी गए थे, रोहतक भी गए थे, उन सभी कैंडिडेट्स की हम सराहना करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो आगे आ रहे हैं दोस्तों वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी का सभी के बस की बात नहीं होती आगे आना। इसलिए दोस्तों उनको भी बेस्ट ऑफ लक, और ये इन जिनके एग्ज़ाम है इनको बेस्ट ऑफ लक। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, 3 साल से वेट कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए। और दोस्तों 20 ग्रुप वाले अपनी तैयारी रखें, हो सकता है इनका एग्ज़ाम दोबारा हो जाए। और जो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है वो अपनी न्यू सीटी की तैयारी करें, 2-3 साल से सीटी नहीं हुआ, तो इसके लिए भी अभी बहुत सारा कंपटीशन होने वाला है। मेरे हिसाब से 20 लाख+ कैंडिडेट इसमें बैठने वाले हैं, तो आसान नहीं होगा दोस्तों कि फिर आगे इसके बेस पे 4 गुना 6 गुना 10 गुना जितना भी होगा उसमें शामिल होना, क्योंकि इतने लाख कैंडिडेट में आप फिर पीछे रह सकते हो अगर अभी पढ़ाई नहीं करी तो। एसटेट वालों के लिए भी दोस्तों अभी 2 से 3 महीने हैं, जेबीटी वालों के लिए तो 15 ही दिन है, तो तैयारी पर फोकस कीजिए और जो होगा भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अच्छा हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।